एबीटी न्यूज पे विज्ञापन चलाएं और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। आज ही संपर्क करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं और देखते रहें एबीटी न्यूज। नहीं हद से जब हम आइल रहनी रहलू तू बर्बाद। नहीं हद से जब हम आइल रहनी रहलू तू बर्बाद कमरिया। प्रस्तुत करता है हैप्पी होम एसोसिएशन। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए संपर्क करें। सबसे पहले भोजपुरी श्रोता गण को सबको पैर छू के प्रणाम। यहाँ पे एक फिल्म का मुहूर्त आज जिले गाजीपुर में हुआ है और फिल्म का नाम भी है जिला गाजीपुर। और जितने भी मूवी के अब तक मुहूर्त हो रहे थे वो सब मुंबई में हो रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जिले में ही, गाजीपुर जिले में ही फिल्म का मुहूर्त किए हैं। और बहुत अच्छी मूवी बन रही है। इसके डायरेक्टर हैं अमित सोनी और प्रोड्यूसर हैं कई लोग हैं। इसमें एक गाने का मुझे चांस मिला है, ब्रेक मिला है। और तो किस तरह के गाने होंगे इस फिल्म में? रोमांटिक सॉन्ग है। रोमांटिक सॉन्ग इन्होंने बताया डायरेक्टर साहब ने कि आपको एक रोमांटिक सॉन्ग गाना है। अभी पिछले कुछ दिन पहले भी आपका एक नया गाना रिलीज हुआ है, काफ़ी चर्चा में है। एक गाना मेरा रिलीज हुआ है कुंवारे में भाई कैसे जाकर, लोकगीत है। उसकी कुछ पंक्तियां सुनाने का कष्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। हमारे दर्शकों के लिए एक बार थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दर्शक श्रोतागण तो हमारे लिए भगवान है। अरे नहीं हर से जब हम आइल रहनी रहलू दू बर पात कमहरिया। एहो कमहरिया कुआरे में ननदो भइल कैसे चाकर। ई कमहरिया कुआरे में ननदो भइल कैसे चाकर। नहीं हद से जब हम आइल रहनी रहलू तू बर्बाद। नहीं हद से जब हम आइल रहनी रहलू तू बर्बाद कमहरिया। हो कमरिया कुआरे में ननदो भइल कैसे चाकर। ई कमरिया कुआरे में ननदो भइल कैसे चाकर। ई कमरिया कुआरे में ननदो भइल कैसे चाकर। और अभी तीन गाने और रिलीज होने वाले हैं हमारे भोजपुरी के सबसे बड़े चैनल वेब म्यूजिक से, वेब भोजपुरी से मेरा गाना रिलीज हो रहा है, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर रतन बाबा हैं और बनारस में काल भैरव स्टूडियो स्वतंत्र यादव हैं जिन्होंने म्यूजिक दिया है। राइटर हमारे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत हमारे प्यार बहुत ही सिखाते हैं, नीरज निर्मल जी उनका नाम है, बहुत अच्छे राइटर हैं। कैसे आपको लगा कि आपको एक गायक बनना चाहिए? एक्चुअली शुरू से ही परिवार में थोड़ा सा इस टाइप का माहौल रहा है, बचपन से ही गाने का शौक रहा है। थोड़ा स्टार्टिंग में नहीं समझ पाए लेकिन थोड़ा देर समझे और फिर हमने अपना सिंगिंग का करियर शुरू किया, अभी शुरू किया है। और इससे पहले मेरा एक एल्बम रिलीज हुआ था मेहरी माई हो गई, वो भी वेब से ही रिलीज हुआ था और YouTube पे उसको बहुत सराहना मिला, तभी से ये हुआ कि नहीं हमको इसमें अपना करियर बनाना चाहिए। अब तक आपके कितने गाने रिलीज हो चुके हैं? अब तक मैंने कम से कम 10 प्लस गाने गा चुके हैं। मेरी माई होगी एक एल्बम आया था मेरा, उसके बाद एक एल्बम आया था
उसका नाम थोड़ा सा मिस हो रहा है। अभी एक लेटेस्ट एल्बम लॉन्च हो रहा है, दर्दिया उठत, अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी ये कल परसों में यूट्यूब पे लॉन्च होगा। एबीटी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।